हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास एट्थ सब्जेक्ट साइंस टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर सेवन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मींस पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण वी शो इन क्लास सेवेंथ दैट पहेली एंड बूजू हैज विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड टिबू हमने देखा था कि कक्षा सात में बुजो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था वह अपने अपने सहपाठियों के साथ अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे सम अदर्स हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क लोक चाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व एटसेट्रा कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लोकचाओ वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फियर रिजर्व बृहद निकोबार मंडल संरक्षित क्षेत्र बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था वट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्डलाइफ लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स देखिए अब ये पूछती है पहली कि राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है ये क्यों बनाए जाते हैं तो इसका आंसर हमें आगे मिलेगा डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस वनोन्मूलन एवं इसके कारण a great variety of plants and animals exist on earth they are essential for the well-being and survival of mankind हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना सम ऑफ द पर्पसेस मेन्स एंड ब्लो वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्योग उद्देश्यों से की जाती है प्रोक्यूरिंग अ लैंड फॉर कल्टिवेशन कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज घरों एवं कारखानों का निर्माण फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग देखिए जैसे टेबल बनती हैं लकड़ी की चेयर भी बनती हैं लकड़ी का पलंग भी बनता है जो बैठने और सोने के काम आता है और बन काट कर भूमि पर खेती की जाती है उसके लिए भी वनों को काटा जाता है घरों एवं कारखानों का निर्माण और घर बनाने के लिए फैक्ट्रीज लगाने के लिए भी वनों को काटा जाता है तो इससे क्या है वन कम होते जा रहे हैं सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स एंड सीवियर ड्रॉट्स दावानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं दावानल मीन्स वन में लगी आग यदि वन में आग लग जाए तो पेड़ जल जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में उससे वनों को नुकसान होता है पेड़ खत्म हो जाते हैं और भीषण सूखा सूखे की वजह से भी पेड़ सूख जाते हैं तो पेड़ उससे भी खत्म हो पॉइंट टू कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वन उन्मूलन के, के परिणाम देखिए ये जो वन काटे जा रहे हैं इनसे हमें क्या नुकसान होगा इसका क्या परिणाम निकलेगा ये हम पढ़ते हैं पहेली एवं बूजो रिकॉल्ड द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पहेली एवं बूजों ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया उन्हें याद है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है भूजल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है अर्थात भूमि के अंदर जो जल रहता है वह बहुत नीचे चला जाता है उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है दी टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी वर्षा कम होगी और भूमि जो उपजाऊ होती है हमें अधिक मात्रा में फसल प्रदान करती है वो हमें प्रदान नहीं करेगी इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं देखिए ये फिर से कुछ पूछना चाहता है एक बच्चा है ये कुछ पूछना चाहता है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूज रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर वन उन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है कम वृक्षों का अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है अब वृद्धि पृथ्वी के तापमान में हो रही है तो जलचक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा में कमी आ जाती है जिसके कारण सूखा पड़ता है डीफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वन उन्मूलन है अर्थात वनों का कटना है किसी क्षेत्र की मिट्टी के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा उपर्दन अधिक होता है मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टाने दिखाई देने लगती हैं इससे मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वह भी कम होती जाती है धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है Is इसे कॉल्ड हम करण कहते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द दॉटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल वन उन्मूलन से मृदा की जलधारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतरश्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ आती है अर्थात जो मिट्टी रहती है वह पानी को सोख नहीं पाती है तो पानी बहकर चला जाता है तो अब वो बहकर जा रहा है तो कहीं तो इकट्ठा होगा तो जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और वन उन्मूलन अर्थात वनों के कटने के कारण मिट्टी के जो और गुण होते हैं जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि वो भी प्रभावित होते हैं कम हो जाते हैं 7.3 Conservation of Forest and Wildlife. 1. one ka Having become aware of the effects of deforestation, Vahili and Bujo are worried. They go to Professor Ahmad and ask him how forests and वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड वन उन्मूलन के प्रभाव जानने के बाद पहली एवं बूझो चिंतित थे वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन बन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है देखिए वनों को काटा जा रहा है जिससे मिट्टी प्रभावित हो रही है सूखा पड़ रहा है और बाढ़ भी आ रही है बारिश में कमी हो रही है और जंगल भी खत्म हो रहे हैं तो जंगल में जो जानवर वन्य जीव रहते हैं उनकी लाइफ भी तो खतरे में है तो उनके लिए पहेली और बूझो चिंतित हैं तो वो अपने प्रोफेसर अहमद से पूछती हैं तो आइए देखते हैं उनके प्रोफेसर ने क्या आंसर किया देखिए प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया मीन्स जो प्रोफेसर अहमद हैं वह पहली बूझो और क्लास के अदर स्टूडेंट्स को मंडल संरक्षित क्षेत्र घुमाने ले गए। पचमड़ी बायोस्पियर रिजर्व इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है उन्होंने वन कर्मचारी श्री से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है हम इसे सुरक्षित रखते हैं तभी तो हमें घूमने को मिलता है और यह हमारी धरोहर है इसे हम सुरक्षित रखते हैं तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ऐसे ही सुरक्षित रखी रहती है बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है मीन्स जिसमें जीव रह सकते हैं जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट एजेंसी इज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों और समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियाँ भी बनो एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियाँ और नीतियाँ बनाती हैं ताकि वह सुरक्षित रह सकें वन्य जंतु अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र आदि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ वह सुरक्षित रह सकते हैं टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फोना एंड देर हैबिटेट्स प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं वृक्षारोपण कृषि चारागाह वृक्षों की कटाई शिकार खल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है अर्थात यहाँ खेती पशुओं को चराना वृक्षों को काट भी नहीं सकते यहाँ पर शिकार भी नहीं कर सकते सेंचुरी एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट सेंचुरी मीन्स होता है वन्यजीव अभ्यारण्य ये क्या होते हैं देखिए वन्यजीव अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं जहां उन्हें और उनके आवास को किसी प्रकार भी नुकसान नहीं होता है नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल resources. देखिए नेशनल पार्क मीन्स होता है राष्ट्रीय उद्यान ये क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए अर्थात जो बन वन में रहने वाले जीव रहते हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र होता है वहाँ ये वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होते हैं लॉर्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया देखिए मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं बी वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु बायोस्फियर रिजर्व अर्थात जैव मंडल आरक्षण अब ये जैव मंडल आरक्षण क्या होता है देखिए, चिल्ड्रन अलोंग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द ऑफ बायोडायवर्सिटी। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं अर्थात जैव विविधता जो होती है उसे सुरक्षित रखने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं अब ये जैव विविधता क्या होती है देखिए किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं तो उसे ही जैव विविधता कहते हैं किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक दो वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आइए अब हम पढ़ते हैं Flora and fauna means per podhi evam jeeb jantu. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की वे लंबे लंबे सागौन टीक के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया वह उसके पीछे दौड़ने लगी प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं साल टीक मैंगो जामुन सिल्वर फॉर्म्स अर्जुन ईटीसी आर द फ्लोरा एंड फोना ब्लू बुल बारकिंग डियर चीतल लेपर्ड वाइल्ड डॉग वॉल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व साल सागौन आम जामुन सिल्वर फर्न अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिकारा नील गाय बार्किंग हिरण चीतल तेंदुआ जंगली कुत्ता भिड़िया इत्यादि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। डायग्राम ए में जो हम देख सकते हैं वाइल्ड डॉग है क्या है जंगली कुत्ता है डायग्राम बी चीतल इसके जो बड़े बड़े सिंग हैं इसे हम चीतल बोलते हैं सी में सी में है वॉल्फ मींस भिड़िया डायग्राम डी लेपर्ड लेपर्ड मींस तेंदुआ डायग्राम डी में जो दिखाया गया है वह तेंदुआ है ई फर्न ई में फर्न के पौधे को दिखाया गया है एफ एफ में जामुन के पौधे को दिखाया गया है एंडेमिक स्पीसीज मीन्स विशेष क्षेत्रीय प्रजाति अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियाँ वो पौधों की भी हो सकती हैं जीव जंतुओं की भी हो सकती हैं आइए हम पढ़ते हैं सुन द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स to डीप फॉरेस्ट चिल्ड्रन आर squirrel टू शी has a big फ्लफी टेल बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे बंद में प्रविष्ट हो गए बच्चे एक विशाल काय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत तो उत्सुक हैं माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गलहरी कहते हैं और यह है यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज अर्थात प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व माधव जी ने पचमढ़ी मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम जो कि हमें डायग्राम ए में दिखाया गया है कि पेड़ों को दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया ये जो डायग्राम ए में दिखाया गया है ये वाइल्ड मैंगो अर्थात जंगली आम का पेड़ है डायग्राम बी में जेंट स्क्विरल मींस विशाल गिलहरी है इसकी फरदार पूंछ भी हम देख सकते हैं आई हैव हर्ड द एंडेमिक स्पीसीज मे वे इज इट ट्रू मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज विलुप्त हो सकती हैं। क्या यह सच है बाईसन इंडियन जेंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं विशाल गिलहरी को हम डायग्राम बी में देख चुके हैं प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई प्रजाति के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है ग्रुप ऑफ विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज सजीवों की समृष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं अर्थात एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जनन क्षमता संतान उत्पन्न कर सकते हैं एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं अर्थात सभी में समान लक्षण पाए जाते हैं अब हम पढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्य प्राणी अभ्यारण्य शून पहेलीजोर्ड विद पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन इट। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट लाइक रिजर्व फॉरेस्ट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज

शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है सम ऑफ द थ्रीटनेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक व्हाइट आइड बक एलिफेंट गोल्डन कैट पिंक हेडेड डक घरियाल मार्स क्रोकोडाइल पाइथन राइनोसेरस ईटीसी आर प्रोटेक्टेड एंड प्रीजर्व्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कुछ महत्वपूर्ण संकटापन्य वन्य जंतु जिनकी जिंदगी खतरे में हैं जैसे कि काले हिरण सफ़ेद आँखों वाले हिरण हाथी सुनहरी बिल्ली गुलाबी सरवाली बतख घड़ियाल कच्छ मगरमच्छ अजगर गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं भारतीय अभयारण्यों में अनूठी दृश्य भूमि बड़े समतल वन पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुसलैंड हैं इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एंड रूच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका बनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं बच्चों को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताजा करने को कहा जाता है उन्हें याद है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों को जंतुओं को संरक्षित करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है आइए अब हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान ऑन द रोड साइड देयर वाज अनादर बोर्ड ऑन विच वन सतपुरा नेशनल पार्क चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं यह वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित बन है सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है रॉक आर फाउंड द सतपुरा नेशनल पार्क दीज आर द प्रीहिस्टोरिक एविडेंसेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण भी स्थित है यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में पचपन चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार नृत्य एवं वाद्यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं एज चिल्ड्रन मूव अहेड देसी अ बोर्ड विद सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटर्न ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्स्ड बाय दवर्मेंट ऑफ टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। फॉरेस्ट आई होप सी अ टाइगर क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूं टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forests बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे-धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है हम बाघ को ऊपर वाले डायग्राम्स में सेवन पॉइंट फोर डायग्राम में देख सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयस एलिफेंट्स वाइल्ड फेलोज एंड बारा वर आल्सो फाउंड इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क किसी समय शेर हाथी जंगली भैंसे तथा बारह सिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे जिन्हें हम ऊपर वाले डायग्राम्स में देख सकते हैं जो 7.6 में दिखाया गया है वह है बारह सिंघा इसे हम बारह सिंघा बोलते हैं एनिमल्स हुतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और बेविलुप्त हो सकते हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं मीन्स जिनकी जिंदगी खतरे में हैं को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं मानवीय गतिविधियाँ जैसे चराना अवैध शिकार जानवरों को पकड़ना या मारना जलाने हेतु पौधों की लकड़ियाँ या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है अर्थात वहाँ इन सब गतिविधियों की परमिशन नहीं होती है और ओनली बिग एनिमल्स फिशिंग द एक्सटिंक्शन क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्शन देन द दे विगर एनिमल्स माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है अक्सर हम सांप मेंढक छिपकली चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं तथा पारीतंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं कहानी पहुंचा रहे हैं यद्यपि वे आकार में छोटे हैं परंतु पारीतंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट सोइल रिवर डेल्टाज एटसेट्रा किसी क्षेत्र के सभी पौधे प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैब घटकों के साथ जैसे जलवायु भूमि मिट्टी नदी डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज मुझे आश्चर्य होगा कि यदि संकटाप स्पीशीज स्पीसीज का कोई रिकॉर्ड भी हो रेड डाटा बुक अर्थात रेड डाटा बुक प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन ही टेल्स दैम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को रेड डाटा बुक के विषय में समझाया वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है पौधों जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुकें हैं हम पढ़ते हैं माइग्रेशन मीन्स प्रवास द एक्सकर्सन पार्टी देन एंटर्स डीपर इंटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी दे सिट नियर द तवा रिजर्वर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर कर यहाँ आए हैं माइग्रेटरी वर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं वट वुड हैड नो वुड क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? अवेलेबल फॉर गुड क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है मैं जानती हूँ कि कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें बनों से प्राप्त होता है मुझे आश्चर्य है यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर Means, कागज का पुनः चक्रण प्रोफेसर अहमद ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू तो अनादर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं वह उन्हें बताते हैं कि टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित सत्रह वृक्षों को काटा जाता है अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का पाँच से सात बार तक चक्रण किया जा सकता है यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज़ की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं वी शुड शेब री यूज यूज पेपर एंड रिसाइकलेट हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या वन उन्मूलन का कोई स्थायी हल है रिफॉरेस्टेशन अर्थात पुनर्वन रोपण प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वन उन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण है पुनर्वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं प्राकृतिक रूप से भी का पुनर वन का वन रोपण हो सकता है यदि वन उन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है इन नेचुरल रिफोरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स प्राकृतिक पुनर्वन रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है वी हैव अलरेडी मेड आट्रमेनियैमेज टू आर फॉरेस्ट हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है यह अधिनियम क्या करता है इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क चिल्ड्रन टू स्टार्ट मूविंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे बैक इन द जंगल आफ्टर सनसेट कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया Thank you.